सुरीर गुस्साए किसानों ने किया विद्युत सबस्टेशन का घेराव। विद्युत कटौती को लेकर ओहावा बिदौनी सुरीर गांव के रहने वाले लोगों ने विद्युत सबस्टेशन सुरीर पर जेई का किया घेराव। विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों को निर्धारित 8 घंटे के समय के हिसाब से जब भी बिजली नहीं मिल पा रही, जिसके कारण किसान आने वाली अपने धान की फसल के लिए ना तो सिंचाई कर पा रहे हैं। किसानों ने कहा कि मार्च से हमें ठीक प्रकार से बिजली नहीं मिल पा रही। गांव में तो बिजली 18 से 20 घंटे आ रही है, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनके लिए मार्च महीने में 8 घंटे बिजली निर्धारित की गई थी, परंतु कभी तार टूट जाते हैं या कभी कोई और समस्या आ जाती है, जिसके कारण किसानों को सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिसको लेकर किसानों ने सुरीर बिजली स्टेशन का घेराव किया और अपनी समस्याओं को एसडीओ के सामने रखा, परंतु किसानों को ठीक प्रकार से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। नाराज किसानों ने जमकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बताएं क्या समस्या लेकर के यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हुए? समस्या ये है कि करीब मार्च से जो है जो ट्यूबवेलों की लाइनें हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो सप्लाई 15-16 घंटे मिल रही है, जो देहात ग्रामीण है, और जो किसानों के लिए जो सप्लाई है जो ट्यूबवेलों की सप्लाई जो अलग कर दी गई है किसानों की, उसमें जो है मात्र सप्लाई के आदेश ऊपर से जो है 8 घंटे के सप्लाई के आदेश हैं, उसमें भी 8 घंटे में 2-3 घंटे सप्लाई वैसे कहीं तार टूट गया कहीं कुछ हो गया तो वोल्ट आने पर कट जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे सप्लाई किसान को मिल पा रही है, जिससे ना ही फसल हो पा रही है, नहीं अब धान की बुवाई का समय है, धान की बो रहे हैं लोग किसान लोग, उसमें ना पानी लग पा रहा है न, अब स्थिति अभी से यह है तो धान की फसल पर क्या स्थिति होगी। इस समस्या को लेकर के आप किन किन अधिकारियों से मिले हैं? इस समस्या को लेकर जो है यहाँ बिजली घर पर आज आए हैं, जेई साहब का घेराव किया है, कहा है इनसे, इन्होंने जो अपने एसडीओ साहब से कहा है, अब पता नहीं क्या हल निकलेगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे वो संतुष्टि मिल सके कि हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बिल तकरीबन 25,000 रुपये प्रति वर्ष जो है ट्यूबवेल कनेक्शन से लिया जा रहा है। आगे की आपकी रणनीति क्या है अगर लाइट नहीं बढ़ती? अगर 1-2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है और उच्चाधिकारी हमें अवगत नहीं कराते हैं कि बिजली जब तक सप्लाई बढ़ने वाली है, तो फिर हम आंदोलन को किसान लोग एकत्रित होकर सारे क्षेत्र के सुरीर क्षेत्र के किसान लोग फिर आंदोलन करेंगे।